निशा आई थी हमको स्टेशन लेने के लिए। ये फिलहाल हमारी पैकिंग जो है वो हो चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लाली और लाली के सामने फिर से आप सभी का स्वागत है। स्वागत है फिर से आपका एक नए ब्लॉग में। तो फिलहाल हो चुकी है सुबह, अभी बज रहा है सुबह का 5 और फिर हम लोगों को निकलना है। कहाँ जा रहे हैं ये सारी चीज़ें आपसे शेयर होगी। फिलहाल मेरी पैकिंग वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी है, कुछ देर में निकलेंगे क्योंकि काफ़ी दिन से मेरा भी मन नहीं लग रहा था यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है कहीं घूमने के लिए निकलते हैं और कुछ नई नई चीज़ें शेयर करने को भी मिलेगी। तो बस कुछ ही देर में हम लोग निकलने वाले। फिलहाल मुझे रेडी भी होना है, तो बस बने रहिए पूरे ब्लॉग में। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बस बने रहिए पूरे वीडियो में, तो चलिए हमारे साथ में और मज़े लीजिए आप भी। ये फिलहाल हमारी पैकिंग जो है वो हो चुकी है और कुछ देर में हम लोगों को निकलना है। फिलहाल हो चुकी है सुबह भी। तो फिलहाल मैं हो चुकी हूँ यहाँ पे रेडी और अब हम लोग निकलने ही वाले हैं। फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग ट्रेन पे बैठ चुके हैं, ट्रेन खुल भी चुकी है। ये साथ में मेरी बहन है, मेरे भैया हैं और ये आप देख सकते हैं कि ट्रेन भागलपुर स्टेशन से खुल चुकी है। बाय बाय भागलपुर, मैं कोशिश करूँगी जल्दी वापस लौटने की। एंड फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि ट्रेन पे बैठो और बिल्कुल बैठने के बाद बिल्कुल नींद आने लगती है, तो फिलहाल मेरे साथ भी यही सारी सिचुएशन थी, मुझे भी नींद आने लगी थी। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद मुझे लग जाती है भूख क्योंकि भाई सवेरे जब हम लोग निकले थे तो जल्दी जल्दी हम कुछ बना नहीं पाए थे क्योंकि टाइम भी नहीं था, बहुत ही हड़बड़ी में निकलना था हम लोग। तो खैर कोई बात नहीं, एडजस्ट लोगों को करना चाहिए और मुझे ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से आती है कि टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कैसे किया जाता है मुझे पता है और मैं कर भी लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब कितने ही प्यारे प्यारे व्यू है। एक चीज़ तो जब आप ट्रेन का सफ़र जब आप करते हैं ना तो आपको बड़े अच्छे अच्छे आपको व्यू आपको देखने को मिलते हैं, मतलब जैसे खेत वगैरह हो गया, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्जॉय कर रही हूँ क्योंकि मुझे ट्रेन का सफ़र भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड फ्रेंड्स, आज ट्रेन पे एक चीज़ और अच्छी हुई कि आज हम लोगों को लाइव सिंगिंग देखने का मौका मिला ट्रेन पे। मौसम खराब हो रहा है अभी, धूप था फिर बारिश वाला मौसम क्या सो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और मैं आ चुकी हूँ कोलकाता अपीकन। कुछ काम था यहाँ पे जो कि इसलिए अचानक से आना पड़ गया। निशा आई थी हमको स्टेशन लेने के लिए और हम प्लेटफॉर्म बन गए, हम लोग का हालत सच में बहुत खराब है। लोग लोकल ट्रेन जैसे आ जा रहे थे, हाँ बस 2 मिनट तो बाकी था और फिर उसके बाद जो तो रुक गया वो, वरना हम लोग 4:30 बजे ही पहुँचे। अरे बहन, कब से मंडरा रहे थे वहाँ पे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर और मैं फिर से बता देती हूँ कि कोलकाता आए हुए हैं, यहाँ कुछ काम है, बस उसी काम से आए हुए हैं और बस कुछ दिन, एटलीस्ट 1 वीक का तो प्रोग्राम है यहाँ पे रहने का, बाकी देखते हैं कि और हम कितने दिन रहते हैं। फिलहाल बहुत ही ज़्यादा थक गए यार, मतलब एक तो ट्रेन भी लेट हो गई, 1/2 घंटा ट्रेन लेट हो गई, फिर उसके बाद हम लोग रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए, मतलब आज तो बैंड बज गया हम लोगों का। खैर कोई बात नहीं, आराम से अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग घर पे पहुंच गए और अब जाते हैं, थोड़ा सा हो जाएंगे फ्रेश वगैरह क्योंकि थकावट बहुत ही ज़्यादा है और फिर थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। कल रात से ही जो है तो फीवर वगैरह आ रहा था क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, इस वजह से लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है। तो फिलहाल जो है तो बस जाते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर उसके बाद खाना वाना खाएँगे
और देखिए और भी वीडियोज़ आपसे शेयर करेंगे। एंड आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ की हर एक न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर से आपसे एक अच्छे से प्यारे से एक बहुत ही स्वीट से ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, रब का ख्याल रखिएगा।